श्री राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता राधा स्वर्ग छोड़कर चली गई तब भगवान विष्णु विरजा नामक सखी के साथ घूम रहे थे। यह सब देखकर राधा क्रोधित हो गई और उन्होंने विरजा का अपमान कर दिया। घायल विरजा नदी की भांति बहने लगी। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा राधा के व्यवहार से नाराज थे और राधा से भी नाराज थे। इस व्यवहार को देखकर राधा सुदामा से क्रोधित हो गई और उन्होंने सुदामा को राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को श्राप दिया और मानव के रूप में जन्म लिया। राधा के श्राप के कारण सुदामा शंखचूड़ नाम का राक्षस बन गया, जिसे बाद में भगवान शिव ने मार डाला। सुदामा द्वारा दिए गए श्राप के कारण राधा जी को मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण से अलग होना पड़ा। कुछ पौराणिक कहानियों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, जैसे उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापण नामक व्यक्ति से हुआ था। बोलो राधा रानी की जय।